let's talk about schizophrenia with leading psychiatrist. Hello friends, I'm Dr. Murari. Today we are going to discuss about what to do, do's and don'ts in acute exacerbation of psychosis. So first of all, हमें ये जानना चाहिए कि what is schizophrenia. Schizophrenia is a psychiatric illness characterized by positive symptoms, hallucination, delusion, disorganized behavior, disorganized speech, and cognitive decline and negative symptoms. तो schizophrenia chronic mental illness है, इसमें ये सब symptoms होते हैं. इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें patients को regular interval psychiatrist से और therapist से visit कराना चाहिए. उनको healthy lifestyle के लिए promote करना चाहिए. Fruits और वेजिटेबल खाने के लिए प्रमोट करना चाहिए. योगा और एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कभी भी उनको ब्लेम ना करें, ठीक है, क्रेम ना करें, डोंट पैनिक, उनके बातों को कभी रिफ्यूज ना करें, कन्फ्रॉन्ट ना करें. ये सारी चीज़ें साइकेट्रिक इलनेस में, पर्टिकुलर स्किजोफ्रेनिया के केस में या किसी भी साइकोसिस के एक्यूट एक्सेसिवेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उनको ब्लेम करना, उनको टॉन्ट करना, ये सब चीज़ें से बीमारी और ज़्यादा खराब होती है, ठीक है. और उनको हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रमोट करना, रेगुलर डाइट के लिए प्रमोट करना, योगा के लिए प्रमोट करना, दिस इज ऑल वी शुड डू इन केसेस ऑफ एक्यूट साइकोसिस. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू.